दोस्तों, अगर आप छत में बागवानी करना चाहते हैं, जिस तरीके से मैंने देखी है छत में जो है कितनी प्रकार की सब्जियां लगाई हैं, ये बेल वाली सब्जियां हैं सब, ये मैंने जो है छत में ग्रो बैग में उगा रखी हैं। ग्रो बैग जो है, अगर आप सोचते हैं कि बहुत महंगा पड़ता है ग्रो बैग, तो आप इस प्रकार के जो ग्रो बैग होते हैं, जो अपने चावल या आटे के जो बैग होते हैं जो हम यूज करके फेंक देते हैं, तो उनमें आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने चावल और आटे के बैग में लगा रखे हैं। तो आगे मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा, उससे पहले आप जो लोग मेरे चैनल में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक करेले की बेल मैंने, देखिए ये जो नेट लगा रखा है, मचान बना रखा, इसमें लगा रखी है करेले की बेल। इसमें भी जो है फ्लोटिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि बहुत महंगा पड़ता है, या हम कैसे छत में जो है अपनी बेल वगैरह सब्जियां वगैरह लगाएं, तो आप बहुत सस्ते में लगा सकते हैं। देखिए, फ्री की चीज़ है। आप आटे और चावल के जो खाते हैं उसका बैग जो आप यूज करते हैं उसको फेंक देते हैं बाद में, तो आप इसमें ये लगा सकते हैं। इसके लिए जो पॉटिंग सॉइल है, देखिए मैंने इसमें राइस हस्क भी मिलाया हुआ है, तो राइस हस्क जो है बहुत इसमें मॉइस्चर बने रहता है, जिससे कि आपके पौधे जो है ये, क्योंकि इसमें अगर हम पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो ये पौधा सूख जाएगा, और इसमें जो फ्रूट्स लगते हैं वो सब गिर जाते हैं। जितने कोई भी बेल वाली सब्जी होती है, अगर इसको पानी की मात्रा इसमें कम हो तो इसके फ्रूट्स गिर जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें राइस हस्क का भी यूज कर रखा। ये आप पॉटिंग सॉइल कैसे बनानी है, इसका अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। मैंने पॉटिंग सॉइल का वीडियो बना रखा, मैं उसी पॉटिंग सॉइल में सभी पौधे लगाता हूँ। ये देखिए, मैंने जो मिर्च के पौधे लगाए थे, ये थोड़ा बड़े हो गए। देखिए, इसमें अब फ्रूटिंग स्टार्ट होने लग गई है। देखिए, हल्के हल्के फूल वो आने लग गए हैं, फूल थोड़ा सा इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। देखिए, और इसी प्रकार से एक मिर्ची का पौधा ये है, इसमें भी देखिए मैंने इसमें जो है 3G कटिंग कर दी थी। 3G कटिंग का मैं वीडियो बनाऊंगा कि इस प्रकार से करते हैं। 3G कटिंग करने के बाद जो है पौधा अच्छी ग्रोथ कर लेता है, इसमें बहुत सारी जो है मिर्च लगती है एक ही पौधे में, तो 3G कटिंग ज़रूर करें। ये इसमें देखिए मैंने 3G कटिंग करी थी, इसमें मिर्च हार्वेस्ट कर ली एक बार, और इसमें दोबारा ये मिर्च आनी स्टार्ट हो गई है। तो आप जो है छत में बागवानी ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको ऑर्गेनिक सब्जियां जो है वो आपको मिल जाएंगी, क्योंकि आप मार्केट से जो भी सब्जी वगैरह लाते हैं वो केमिकल युक्त होती हैं। अगर थोड़ी बहुत भी आप ऑर्गेनिक सब्जी अपने गार्डन में उगा देंगे तो आपको केमिकल से थोड़ा सी राहत मिलेगी, क्योंकि केमिकल कि सब्जियां आप मार्केट में सोचते होगे कि बहुत अच्छी हैं बहुत, अगर कई सब्जियां जो केमिकल से युक्त होती हैं उसमें जो है सब्जियों का तो सब साइज वगैरह, जैसे कोई कद्दू है उसका साइज भी सही आएगा, लौकी है उसका साइज भी सही आएगा, लेकिन जो ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं उनमें थोड़ा सा कमी ये रहेगी कि वो थोड़ी छोटी, या उनका साइज भी कम होगा, या उनका कलर भी जो है सब्जियों का वो भी थोड़ा डल होगा, लेकिन वो ऑर्गेनिक तरीके से हैं इसलिए इस प्रकार का उनमें ग्रोथ होती है। तो आप देखिए, जो मैंने लौकी की जो बेल लगाई थी, इसमें देखिए अभी स्टार्ट हो रही है, मैंने थोड़ा जून से पहले लगा दी थी, तो इसमें आप हार्वेस्टिंग करने लायक हो गई हैं। देखिए, दो लौकियाँ इसमें लगी हैं, और छोटी छोटी कई जो लौकियाँ हैं वो भी आ रही हैं इसमें। ये देखिए, छोटी छोटी जो लौकियाँ हैं, ये ऊपर मचान में मैंने जो बनाया था, इसमें देखिए छोटी लौकियाँ भी आ रही हैं, और ये जो तोरई है तोरी भी अच्छी हो रही है इसमें। तो इस प्रकार से आप जो है छत में बागवानी कर सकते हैं, और बहुत सस्ते में। ये देखिए, मैंने कुछ जो है भिंडी के पेड़ भी लगाए हैं। भिंडी के जो मैंने 4-5 पौधे भी अगर आप लगा लेंगे अगर अपने गार्डन में, या कोई भी गमले में, या कोई ग्रो बैग में, ये भी मैंने जो है इस प्रकार के ग्रो बैग में लगाए। देखिए, ये चावल का बैग था, उसको मैंने ग्रो बैग बना दिया है। तो इसमें मैंने कुछ भिंडी के पौधे भी लगाए, अगर 4-5 पेड़ भी लगाए होंगे तो आपके लिए 3-4 दिन में इसमें भिंडी तैयार हो जाती है। देखिए, ये कुछ पौधे यहाँ लगाए हैं, कुछ इधर भी लगाए हैं। देखिए, ये देखिए कुछ पौधे यहाँ भी लगाए हैं, इसमें जो है भिंडी देखिए कितनी आ रही हैं एक ही पौधे में। देखिए, अभी इसमें ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, और ये भिंडी भी बहुत आ रही है इसमें। ये सब ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जियां हैं, जो हमें थोड़ी बहुत मात्रा में अपने घर में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से आप अगर ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते रहेंगे तो
तो आपको आगे की प्रैक्टिस भी होती रहेगी किस प्रकार से सब्जियां उगानी है। आप धीरे धीरे स्टार्ट तो करिए, आप स्टार्ट करेंगे तभी आपको थोड़ा सा आगे को किस प्रकार से सब्जियां उगाते हैं उसका फायदा भी मिलेगा और आप सीखने को भी मिलेगा कि किस प्रकार से सब्जियां उगा सकते हैं। और ये देखिए मेरे जो बैंगन का पौधा है, ये 1 साल का लगभग हो गया है और इसमें 2-3 बार मैंने बैंगन जो है हार्वेस्ट कर भी लिए हैं और इसमें एक बार प्रूनिंग कर दी थी मैंने उसके उसके बाद इसमें और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। देखिए इसमें कई फूल भी बन रहे हैं, देखिए ये देखिए यहाँ भी बन रहे हैं कुछ फूल और इसमें बैंगन भी अच्छे आ रहे हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक जो सब्जियाँ होती हैं उनका स्वाद भी अलग होता है, थोड़ा स्वाद थोड़ा आपको अच्छा लगेगा इसका ऑर्गेनिक सब्जी का, और जो केमिकल युक्त तो सब्जियाँ होती हैं वो उनका स्वाद थोड़ा उतना अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो कैसा लगा आपको, जो मैंने ये जो अपनी छत में जो गार्डनिंग करना चाहते हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो बनाया है कि आप छत में इजी तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं आसान तरीके से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गार्डनिंग की शुरुआत भी करें और आगे शेयर भी करें। कई लोग गार्डनिंग करना चाहते हैं लेकिन उनको ये आइडिया नहीं मिलता है कि किस प्रकार से हम मिट्टी बनाएं और किस प्रकार से किस गमले खरीदें। तो आज का वीडियो यहीं पर को ख़त्म होता है। धन्यवाद।